हेलो एंड वेलकम गाइस, आज बात करने वाले हैं एनडीए के ट्रिक के ऊपर जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 एंड सो ऑन। सो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो ये 42-45 सेकेंड ले जाएगा मिनिमम में। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे 72 लिखा, अगर यहाँ पे कोई भी पी नंबर लिखा हुआ, पी मीन्स या कोई भी नंबर लिखा कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर अगर आप इसको दो ऐसे कॉन्जुगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई में अगर लिख सकते हो तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हम जैसे 72 को लिख सकते हैं 8 × 9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस अगर लगा हुआ है तो प्लस लगा हुआ है तो आपको जो इसमें मैक्सिमम वाली डिजिट आएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेकंड जैसे क्वेश्चन लिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ये मैंने क्लियरिफिकेशन के लिए लिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 3। यहाँ पे भी देखो प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे जो भी आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम डिजिट आपकी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस मतलब सो ऑन इन्फिनिटी तक है। ये बात याद रखना है, यहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए। तो फिर इसके आगे क्या करेंगे, रूट 12, तो यहाँ पे इसको कॉन्जुगेटिव नंबर में पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो 4 × 3 ये कॉन्जुगेटिव नंबर में ब्रेक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस के साथ हम लोग जो मिनिमम वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू है, उसके साथ चले जाएंगे। एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑफ द टाइप क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव इन्फिनिटी तक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी इनसा इंटीजर दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट फाइव एंड रूट फाइव। तो यहाँ पर सॉन इन्फिनिटी टर्म नहीं है, यहाँ पर ये है 3 टर्म्स हमारा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसके कॉम्युनिकल मेथड पर जाते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 raised to power 1/2 एंड फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर 5 की पावर 1/2 एंड यहाँ से लाओगे तो आप 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 चूँकि भाई बेस जो है मेरा इक्वल है जो, एंड अब जब यहाँ से लाओगे तो आप 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इनको ऐड करोगे तो 5 की पावर 7/8 हो जाएगा। बट ये तो रही एक कॉमेरिकल मेथड कि आप यहाँ पे अगर कॉन्जुगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई बनना है तभी कैसे सॉल्व करोगे। बट अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो काफ़ी इसका लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं। अभी मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसको लगा के आप इसको बड़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हो, उससे मैं एक एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो गैस मैंने आपको ट्रिक तो बता दी, लेकिन आपको फार्मूला अपडेट में ये दो फार्मूले याद कर लेने। सबसे पहले फार्मूला क्या है कि √p ± √p ± √p ± एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कि अगर प्लस है तो आप आंसर में फार्मूले में प्लस लगाओगे, एंड माइनस तो फार्मूले में माइनस लगाओगे। तो फार्मूला हमारा इज इक्वल टू √4p + 1 एंड ±1/2। अगर यहाँ पर हर जगह प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस यूज़ करना है, एंड अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस यूज़ करना है √2, ठीक है। एंड नेक्स्ट फार्मूला है, ये वैसे आप सिंपली मेथड से भी कर सकते हो, बट इसका मैं फार्मूला दे रहा हूँ √p यहाँ पे मल्टीप्लाई √p and n, अगर यहाँ पे n टर्म्स हैं, याद रखिएगा यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे n टर्म्स हैं। सो इसका फार्मूला बन जाएगा p to the power n minus 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे है √12 + √12, जिसका भी मैंने आपको 4 × 3 से फार्मूला कराया था, लेकिन हम इसको फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक शॉर्टकट फार्मूला है। सो इसको सबसे पहले रख लीजिए √4p + 1 मीन्स 4 × 12 + 1, एंड यहाँ पे चूँकि प्लस है तो यहाँ पे +/2, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 × 4 = 48 एंड +1 = 49 7 + 1/2 दैट विल बी गिव योर आंसर 4, ओके दैट्स योर आंसर। अगर हम इसी जगह पे बात कर लेते हैं द लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमने बात किया था √5 एंड √5 की, ठीक है। यहाँ पे n टर्म्स में हम 3 टर्म्स ले रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे p मेरा है 5, तो 5 लिख लेते हैं एंड 2 raised to power n मीन्स कितने टाइम है, 3 टाइम्स है ना, तो 3 - 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 raised to power n, n मीन्स 3। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 raised to power 2 to the power 3 8 - 1 7/8, ये आंसर मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।